तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल वीरवार को कुरुक्षेत्र अग्रसेन पब्लिक स्कूल के सभागार पहुंचे और हरियाणा राज्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन रहा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव संजीव कौशल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की राज्य स्तरीय पेंटिंग और फोटो स्कल्पचर्स प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा राज्य निर्वाचन कार्यालय को आधुनिक स्वरूप देने का कार्य किया गया है। इस विभाग की तरफ से 7 ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं, जिनमें हेल्पलाइन, सूक्ष्म ईसीआई, क्यू मैनेजमेंट, सी विजिल और साथ ही वोटर टर्नआउट, अपने प्रत्याशी के बारे में जानने, चुनाव सीजर मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल। जानते ही हैं 2011 से नेशनल वोटर्स डे के तौर पे इलेक्शन कमीशन की स्थापना के इस दिवस पर मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है किसी भी नागरिक का वो वोटिंग राइट होता है, और उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये आज का आयोजन था। और जैसा आप जानते हैं हर साल नई रजिस्ट्रेशन की जाती है, जो 18 साल उम्र हो गई हो या पहले छूट गए हो या कुछ लोग शिफ्ट करते हैं एक सीट से दूसरी सीट में, तो उनका सारा वेरीफाई करके उनको वोटर्स लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो वो कार्रवाई करते हुए 1 जनवरी को फिर वो नोटिफिकेशन होती है, उसी के बारे में सबको जागरूक करना बहुत आवश्यक होता है।